शहर की गुणवत्ता को शहर के सभी स्विमिंग पूल के लिए बनाए रखा जाएगा। पुल की दया पर तैराक जारी किए जा रहे हैं। लगभग 50-60% स्विमिंग पूल में लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है और उन्हें प्रदर्शित कोच नियुक्त नहीं किया जाता है। हाल ही में नागपुर जिले में डूबने की कई घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में शहरी सेल के अध्यक्ष श्रीकांत शिवकर ने ऐसे स्विमिंग पूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जो मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। पिछले जुलाई में प्राइड होटल में एक स्विमिंग पूल में 50 वर्षीय व्यवसायी की मृत्यु हो गई। मृतक के रिश्तेदारों ने होटल प्रबंधन के कारण मृतक पर मौत का आरोप लगाया है और परिवार के सदस्यों ने प्रबंधन पर पुल को बंद करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। यह कोई घटना नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में 9.3% आकस्मिक 36,362 मौत नागपुर जैसे मेट्रो शहरों में होटल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स शैक्षणिक संस्थानों सहित कई स्विमिंग पूल हैं। हालांकि उनमें से कई बुनियादी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं जो आकस्मिक मृत्यु का कारण बनता है।